गुड इवनिंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टूडेज सेशन ऑफ एक्सप्रेस थ्री सिक्स कर एमसीक्यू ऑन द ऑनलाइन बेंचर्स सभी बच्चों का ऑनलाइन बेंचर्स पे बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से और आज के इस एक्सप्रेस वीकली करंट अफेयर सेक्शन में मैं आप सबों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सभी बच्चों फटाफट एक बार मुझे जुड़ जाए और जो लोग लाइव आ चुके हैं बेटा प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म करें यू ऑल हैव कम टू प्लेटफॉर्म जितने बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर सकूं हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द टूडेज क्लास एवरीबडी आकांक्षा ठाकुर वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन बाकी जितने बच्चे जुड़ चुके हैं प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए वीरता ठाकुर वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन बेटा सभी लोग फटाफट जुड़ जाए सेशन से रोहित श्रीवास्तव जय हिंद नमस्कार हर्षित वेरी गुड इवनिंग हेमंत सिंह जय हिंद अमित सिंह वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू तो द क्लास तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं फटाफट मुझे एक बार इन्फॉर्म करें और बाकी आप लोग एक बार शेयर भी कर दो आज के सेशन को ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं आज हम लोग 35 फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस पूरे वीक में आप लोगों को करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया है तो बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि पूरे वीक का रिविजन होगा वेरी गुड इवनिंग आचल दीपिका गोयल आदित्य सिंह ओमकार वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन चलिए कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी जय हिंद पीयूष परासर जी बच्चों फटाफट एक बार सेशन से जुड़ जाओ आप लोग ताकि मैं आज के इस 35 फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ स्टार्ट कर सकूं ये जो पूरा आज का सेशन है इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पूरे वीक की जो करंट अफेयर्स है वो आपके इस सेशन में कंप्लीटली रिवाइज हो जाए और पूरे वीक का करेंट अफेयर आप बिल्कुल याद करके जाओ यहां से चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नमस्कार अभिषेक प्रताप सिंह जी वेलकम टू द क्लास चलिए स्टार्ट द क्लास ओके लेट्स बिगिन द क्लास फॉर द फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आज का यह है जो आपके स्क्रीन पे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टू थाउजेंड ट्वेंटी इसके बारे में सुना होगा आपने 2020SO ये मैंने कल ही पढ़ाया था आपको इसके बारे में पहला कथन ये है कि नासा हैज कन्फर्म डेट द नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कॉल्ड 2020SO इज द रॉकेट बूस्टर डेट हेल्प्ड इन लिफ्टिंग द स्पेस एजेंसी सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट टुवर्ड्स द मून इन 1966 यानी कि जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है 2020SO इससे 1966 में स्पेस क्राफ्ट को मून के सतह पर पहुंचने में हेल्प करी थी और जो सर्वेयर टू है इट्स एम टू द द लूनर अहेड ऑफ अपोलो मिशन दैट लेड टू द फर्स्ट लूनर लैंडिंग इन 1969 पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑनली बी ऑप्शन है सेकेंड ऑनली सी ऑप्शन इज बोथ वन एंड टू एंड डी ऑप्शन इज नाइदर वन एंड टू ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था तो जो बच्चे कल मेरे सेशन में थे उनको इस क्वेश्चन को जवाब देने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी तो फटाफट आप लोग इसके बारे में आंसर करो मुझे ऑन गाइज गो फॉर द रिप्लाई जी, क्या होगा इसका आंसर कंसिडर दिथ रेफरेंस टू द टू थाउजेंड ट्वेंटी एसओ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है क्लियर है चलिए आज का सेकेंड क्वेश्चन वो है किससे रिलेटेड टमेन प्राइज से कंसिडर दिथ रेफरेंस टू देसल टिली टू थाउजेंड ट्वेंटी पहला ऑप्शन हैल कंटेंट ये अवॉर्ड प्रत्येक वर्ष एक नॉन फिक्शनल बुक स्टोरी के लिए जाता है स्पेशली जिसके पास हिस्टोर जिस बुक के पास हिस्टोरिकल कंटेंट हो और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अरबिंद अडीगा बुक

बेटा भी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल टेंशन मतलब हम लोग लोग क्वेश्चन पे हैं बताओ आप इसका आंसर क्या होगा आपको बता दू मैं, ये केवल बुक पे उन बुक्स को दिया जाता है जो कि कंप्लीटली एक नॉन फिक्शन बुक है और जिसका कंटेंट पूरी तरीके से क्या है हिस्टोरिकल है ठीक है ना इसका मतलब ये है कि केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है सो द आंसर विल बी दिस क्लियर टू यू ध्यान रखना है आपको इस बार का जो पेन प्राइज है वो दिया गया है अनीता आनंद के एक बुक जो कि बेस्ड है जलियावाला बाग में साकर के ऊपर जिसमें एक यंग मैन की स्टोरी है जो उस जलियावाला बाग में कॉटअप हो गए थे और उस पर्टिकुलर बुक का नाम है द पेशेंट एसेस अ ट्रू टेल ऑफ मैसाकर रिवेंज एंड द राज इसको आपको ध्यान रखना है क्लियर है बच्चों चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड एरिकीबो इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आपको बताना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप है विश्व का जिसका नाम है एरिकीबो ये कहां पर स्थित है ए इज प्यूटोरिको बी इज टोरेंटो सी इज दोहा एंड डी इज सिडनी द सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड एरिकीबो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग द्लेस इज इट ए प्योटोरिको इज इट बी टोरेंटो इज इट सी दोहा और इज इट डी सिडनी प्लीज गो फॉर द आंसर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है एरिकीबो जो कि लोकेटेड है कहां पे? आप लोग प्लीज मुझे आंसर करें और ये इसलिए न्यूज में है कि इसका ये डिस्ट्रॉय हो गई है जिस कारण से और इस अकेले टेलीस्कोप ने बहुत सारे प्लैनेट्स को ठीक है ना एस्टेरॉइड्स को डिस्कवर करने में हेल्प की है उनके मूवमेंट को ट्रैक करने में हेल्प किया है और ये है कहां पे तो आप आप बताओगे रिको में ये न्यूज कल ही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ ठीक है ना इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि द सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डेस्क रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड एरिकीवो इसको बनाया गया था नाइनटीन में और जो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन है वो इस टेलीस्कोप को ऑन करती है ठीक है ना और 1967 में इसी एरिकीबो टेलीस्कोप के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था कि जो मरकरी है वो केवल 59 डेज में रोटेट कर जाती है ना कि 88 डेज में इसको आपको ध्यान रखना है चलिए इंडियाज फर्स्ट होम्स फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन विल सोन बी स्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज भारत में पहला जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनके केयर और प्रोटेक्शन के लिए एक सेल्टर को स्टैब्लिश करने की बात की गई है किस पर्टिकुलर प्लेस पे ए इज कोची बी इज चेन्नई सी इज हैदराबाद एंड डी इज बेंगलुरु प्लीज गो फॉर द आंसर इंडिया फर्स्ट होम्स फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन विल बी सून स्टैब्लिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ए इज कोची बी इज चेन्नई सी इज हैदराबाद एंड डी इज बेंगलुरु प्लीज गो फॉर द रिप्लाई फटाफट आंसर करो आप लोग और जितने बच्चे लाइव वॉच कर रहे हैं इसको प्लीज अटेम्प्ट जरूर कीजिए क्वेश्चन को और बेटा प्लीज आप लोग इस सेशन को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन से जुड़ सके इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताओगे बेंगलुरु ये कहां पे हो रहा है बेंगलुरु में ठीक है ना और ये इनिशिएटिव किसकी है तो मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये जो सेल्टर क्रिएट किया जा रहा है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए ये किसकी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो ये ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन हैं ये जो स्टिग्मा और अब्यूज फेस करते हैं सोसाइटी में उनसे हम इनको क्या कर सके सेफ गार्ड कर सके बच्चों फटाफट शेयर सेशन को लाइक करो और शेयर करते चलो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक जॉइंट स्क्रेल को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है मलायन जॉइंट स्क्रेल से रिलेटेड क्वेश्चन ये है this malayan giant squirrel it is a species which is listed as vulnerable on the iucn 2016 list and it is protected under india's wildlife protection act pehla statement keh raha hai ki jo malayan giant squirrel prajati hai gilhariyon ki ye vulnerable list mein rakha gaya hai iucn ke 2016 mein और इसका protection किया जाता है इंडिया में Wildlife Protection Act एक्ट के थ्रू दूसरा स्टेटमेंट यह है इट इज करेंटली फ सिक्किम असम अरुणाचल मेघालय एंड नागालैंड अब इन दोनों स्टेटमेंट में इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू द मलायन जॉइंट स्क्टर ए स्टेट ए ऑप्शन इज वन ऑनली बी ऑप्शन इज टू ऑनली सी ऑप्शन इज बोथ आर करेक्ट एंड डी ऑप्शन इज नाइदर वन नॉर टू प्लीज गो फॉर द आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर चलिए फटाफट बताइए आप लोग इसमें ध्यान रखना है आपका कि इसका आंसर क्या होगा केबल सेकेंड ऑप्शन बी केबल सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है इसने इसको वनरेलेबल लिस्ट में निसमें रखा है तो आप बताओगे ये कही कहीं ना कहीं थ्रेटेन लिस्ट में है देखो ध्यान रखना यहां पे कि दिस स्पेसीज इज लिस्टेड नियर थ्रेटेन लिस्ट ऑन द आईयूसीएन 2016 लिस्ट इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है ना और केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बिल्कुल सही कहा रोहित जी विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन हैज टॉप द लिस्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द ईयर 2020 इंडिया में पांच पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं एंड यू आर बींग आस्ट Which of the following police station has topped the list released by the Ministry of Home Affairs? Pakyong, which is in the East District of Sikkim, Nongpok Sekami in the Thoubal Manipur, Kant, Moradabad UP, and Kharsang in the Changlang Arunachal Pradesh. Which of the following police station has been adjudged as the best police station as per the Ministry of Home Affairs? Please go for the answer. A Pakyong, B Nongpok, C Kant, and D is Kharsang. प्लीज गो फॉर द आंसर एवरीबडी सभी लोग कम से कम रिप्लाई जरूर कीजिए क्वेश्चन का कोई बात नहीं कौस्तव आप आ चुके हो अभी बहुत सारे क्वेश्चन और बच्चे फटाफट जुड़िए से ताकि मैं इस क्लास को और आगे इंटरटेनिंग बना सकूं ठीक है ना और जिनको पसंद आ रहा है बेटा सेशन प्लीज लाइक करते चलो सेशन को और जितने लोग आ रहे हैं कम से कम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कीजिए ये केवल केवल और केबल आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज को ब्रशअप करने के लाया गया है आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉन्पोंग से कामी जो कहां पे है कहाबाल मणिपुर में प्लीज डू रिमेंबर दिस इसका आंसर क्या हो जाएगा का बी इसको रिमेम्बर स्टेशन है, ठीक है ना? जो हैं, इंडिया के अंदर उसमें सबसे पहले पे है नॉन्गपॉन्ग से कामी फिर है आपको सूरामंगलम सेलम तमिलनाडु में खारसांग अरुणाचल में झीलमिली छत्तीसगढ़ में सेंगुएम साउथ गोवा में कालीघाट अंडमान निकोबार में पैकयोंग सिक्किम में कांत मुरादाबाद में खानबेल दादरा नगर हवेली में और जामी कुंता नगर तेलंगाना में ये सभी पीडीएफ दूंगा मैं आप लोगों को जो कि ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा सेशन के तुरंत बाद तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना है हमारे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है इट हैज साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपरेशन इसमें से किस कंट्री के साथ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड ने जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है एक एमओयू को साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपोरेशन के लिए ए इज ब्रिटेन बी इज ऑस्ट्रेलिया सी इज जापान एंड डी इज यूएसए प्लीज गो फॉर द आंसर आप लोग बताओ मुझे कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के लिए एक एमओयू को रिसेंटली साइन किया है ए ब्रिटेन बी ऑस्ट्रेलिया सी जापान एंड डी यूएसए प्लीज गो फॉर द रिप्लाई फटाफट आंसर करो आप लोग कमॉन बच्चों आज बहुत सारे लोग लगता है संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं काफी लोग नहीं आए हैं आज स्ट्रेंथ बहुत कम है बच्चों की केवल 43 लोग लाइव हैं चलिए ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यूएसए द एग्जैक्ट आंसर इज रिच इट्स द यूएसए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 थाउजेंड ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाइएस्ट एवरेज मंथली मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर स्मार्टफोन एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू सरपास 350 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शन बाय 2026 इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो 2026 तक 5G नेटवर्क के सब्सक्रिप्शन में 350 मिलियन के डेटा को क्रॉस कर जाएगी और ये कंट्री हाईएस्ट एवरेज मंथली मोबाइल डेटा ट्रैफिक को कंज्यूम करती है ए इज यूएसए बी इज इंडिया सी इज चाइना एंड डी इज ब्राजील आपको पता है फटाफट बताइए आप लोग थैंक यू ओमकार जी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट है 2020 की इसमें जो 5G सब्सक्रिप्शन 350 मिलियन तक हम पहुंच जाएंगे 2026 तक ये बात और सबसे अधिक जो पर मंथ अगर पूछा जा रहा है कि मोबाइल डेटा ट्रैफिक सबसे अधिक किस कंट्री में है तो आप क्या बताओगे इट्स द इंडिया आपको पता है कि हमारे इंडिया में लोगों को खाली टाइम बहुत है ठीक है ना थैंक यू अभिषेक जी तो भाई खाली टाइम ज्यादा है तो लोग ज्यादातर किस पे काम करते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ठीक है ना टेलीग्राम पे इस पे बच्चे लगे रहते हैं बहुत लोग तो किडर पे भी जुड़े रहते हैं कि पता नहीं कहां सेटिंग हो जाए है कि नहीं तो भाई उन सब से बाहर निकलो तभी सिलेक्शन होगा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है आप लोग आने वाले समय के कैडेट्स हो तो आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है ठीक है ना चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल ये प्रजाति है इसके बारे में प्लीज समझो आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल इसके बारे में कहा गया है इट इज अस ऑफ टर्टल विच इज फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्ट और दूसरा ऑप्शन है कि इट इज लिस्टेड ऑन द आई यूसी रेड लिस्ट एज द एंड स्पेसीज क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिलेटेड टू द इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल ए कह रहा है कि ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बी इज टेलिंग ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट सी इज इज टेलिंग टेलिंग बोथ द द आर आर एंड डी नन ऑफ करेक्ट बिल्कुल रिवीजन के लिए ही ये सेशन लाया गया है आप लोगों के लिए और जिन बच्चों को पसंद आ रहा है सेशन बेटा लाइक करते चलो फटाफट लाइक करते चलो और शेयर करते चलो सेशन को अब देखो अगर हम इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल की बात करें तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि यह जो स्टेटमेंट है कि यह एक ऐसा प्रजाति है टर्टल का जो आपको साउथ एशिया में पाया जाएगा कहा मिलेगा आपको यह तो आप क्या बताओगे साउथ एशिया में और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह जो आई लिस्ट है रेड की लिस्ट है, रे, रे डेटा लिस्ट है उसमें ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में नहीं बल्कि वनडरलेबल स्पीसीज के रूप में क्या है लिस्टेड है तो स्टेटमेंट पहला भी गलत है और स्टेटमेंट दूसरा भी गलत है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नाइदर वन टू यानी कि आपको ध्यान रखना है जो इंडियन पीकॉक सॉटसेल टर्टल है इट इज फाउंड इन द साउथ एशियन रीजन एंड इट इज लिस्टेड इन द आन एज अ ठीक है ना इसको ध्यान रखना है आपको अब यहां पे इसका और बेहतर एक्सप्लेनेशन है कि इंडियन पिकॉक सब्सिल सॉक्सल टर्टल जो है ये वलेबल स्पेसीज में आती है कहां पे आती है तो आप बताओगे वनडरलेबल स्पेसीज में ये भूलना नहीं है आपको और आपको ध्यान रखना है ये स्टर्टल फाउंड कहां कहा जाता है तो साउथ एशिया में ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर टेंथ इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनो आप लोग ये किस पर्सनालिटी के बारे में कहा जा रहा है ठीक है ना पहला स्टेटमेंट है कि ही वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी ही इज टू एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन आई टी इंडस्ट्री एंड ही वॉज ऑल्सो रेसिपियंट ऑफ पद्म भूषण ये तीनों स्टेटमेंट इनमें से किस पर्सनैलिटी के लिए कहा गया है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन आई टी इंडस्ट्री कहते हैं ये फाउंडर और फर्स्ट सीईओ थे टीसीएस टी के और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था ए ऑप्शन है फकीर चंद्र कोहली बी ऑप्शन है गोविंद स्वरूप सी ऑप्शन है इब्राहिम अलकाजी एंड डी ऑप्शन है सुधाकर चतुर्वेदी प्लीज गो फॉर द आंसर फटाफट बताओ ये यानी कि फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रूप में किसको जाना जाता है जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और ये फाउंडर और पहले सीईओ थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्लीज बताइए आप लोग बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा फकीर चंद कोहली क्या होंगे फकीर चंद कोहली एफ कोहली ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द फाइजर बायोटेक कोविड 19 वैक्सीन फॉर यू सबसे पहले विश्व के किस देश में फाइजर बायोनटेक कोविड नाइनटीन वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दिया गया ए रशिया बी यूएसए सी चाइना एंड डी ब्रिटेन प्लीज गो फॉर इट। किस कंट्री में सबसे पहले याद रखना कि जो फाइजर है ये अमेरिकन कंपनी कंपनी है और जो बायोनटेक है ये कहां की कंपनी है तो बताओगे जर्मन तो अमेरिकन जर्मन कोलेबोरेशन है ये और सबसे पहले किस कंट्री में ये अप्रूवल दिया गया है यूज करने के लिए जो कि नेक्स्ट वीक से यानी कि कल से स्टार्ट हो जाना चाहिए तो आप क्या बताओगे कमोन बाइस जितने भी लोग लाइव हैं सब लोग कम से कम कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर जरूर कीजिए बेटा प्लीज आंसर जरूर कीजिए तो आप क्या बताओगे इट्स द ब्रिटेन क्या बताओगे आप लोग डी ऑप्शन इज ब्रिटेन क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसबिलिटी अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में IDPWD के बारे में इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज राइट एंड वेलबींग ऑफ पर्सन विद डिबिलिटी इन ऑल डेवलपमेंट एंड टू इंक्रीज द अवेयरनेस आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू द इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिबिलिटी प्लीज गो फॉर द आंसर जी ए के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिबिलिटी प्रोक्लेम किया गया था और इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी लोग डिसेबल हैं ठीक या डिफरेंटली एबल्ड है उनके अधिकारों को हम बढ़ावा दे सकें और उनके उत्थान की बात कर सकें यह क्वेश्चन है अभिषेक प्रताप सिंह इंग्लैंड जो है वो पार्ट है किस चीज का तो आप बताओगे यूनाइटेड किंगडम का यूके इज अ ग्रुप ऑफ फोर कंट्री नॉर्थ आयरलैंड इंग्लैंड देन वी हैव स्कॉटलैंड और साथ ही साथ आप क्या बताओगे स्कॉटलैंड हां मंथली कंपेरिशन पे भी आएंगे आप लोग डोंट वरी एट ऑल यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा करेक्ट है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये ध्यान रखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये है consider the following statement with respect to the world malaria report 2020 ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसको ध्यान से सुनो आप लोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट ठीक है ना वेल्स भी है बिल्कुल सही कहा आपने वेल्स है जो कि कैपिटल इस, इसके बाद आपको ध्यान रखना है वेल्स हो गई नॉर्थ आयरलैंड हो गई इंग्लैंड हो गई और स्कॉटलैंड हो गई ठीक है ना ये चार है इसके बारे में कहा गया है कि इट इज रिलीज किसके बारे में कहा जा रहा है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के बारे में और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यह है कि इंडिया अचीव रिडक्शन ऑफ एटी इन मलेरिया मोबिडिटी एंड नाइनटी इन मलेरिया मोर्टेलिटी बिटवीन द ईयर टू एंड टू थाउजेंड ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है ये रिलीज किया जाता है यूएनडीपी की एनडीपी व्हाट इज यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया ने एक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज को रिसीव अचीव किया है जिसके अंतर्गत जो मलेरिया मोबिडिटी है व्हाट इज मलेरिया मोबिडिटी जो लोग इंफेक्टेड है मलेरिया से या जिनके अंदर यह संक्रमण होता है उनके अंदर एटी थ्री पॉइंट थ्री फोर परसेंट से रिडक्शन हुआ है ओवरऑल और जो मलेरिया से मरने वालों की संख्या है भारत में 2000 से लेकर के 2019 में उसमें 92 परसेंट से रिडक्शन आया है अब क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या इनमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है इसको रिलीज किया जाता है डब्ल्यू के द्वारा ना कि यूएनडीपी के द्वारा तो पहला स्टेटमेंट जो बेटा हुआ क्या होगा वो गलत तो केवल कौन सा स्टेटमेंट सही है टू तो इसको ध्यान रखना है कि सेकेंड ऑनली विल बी द आंसर आई बात समझ में अच्छा मैं एक स्टेटमेंट को बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि क्लास के अंदर चीजें आपको याद हो जाए ठीक है ना चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ कोड अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कंटेंट ऑफ कोड से रिलेटेड इसमें सवाल यह पूछा गया है आपसे कि दो स्टेटमेंट दिए गए आपसे पूछा गया कि इन दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो जो कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का वो कहता है कि जो लॉ दिए गए हैं कंटेंट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड वो मेंशन है सेक्शन 15 ऑफ द लेजिस्लेशन विच डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑन हाउ अ केस फॉर कंटेंट ऑफ कोर्ट कैन बी इनिशिएटेड मतलब जो कंटेंट ऑफ कोर्ट का अधिनियम है 1971 का उसके सेक्शन 15 में प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे कंटेंट ऑफ कोर्ट के केस में हम किसी भी लीगल एक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द अटॉर्नी जनरल और द सॉलिसिटर जनरल एंड इन द केस ऑफ हाई कोर्ट द एडवोकेट जनरल मे ब्रिंग इन अ मोशन बिफोर द कोर्ट फॉर इनिशिएटिंग अ केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के केस के में या तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल और केस और हाई कोर्ट के केस में या तो एडवोकेट जनरल इस तरह के मोशन को इनिशिएट कर सकते हैं जो कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत लाया जाएगा अब पूछा गया है कि आप इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है केवल पहला सही है केवल दूसरा सही है दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है प्लीज गो फॉर द आंसर कमॉन गाइज रिप्लाई टू मी आप बताओगे बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बिल्कुल सही है यह न्यूज भी मैंने आपको पहले बता रखी है फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स थेमिन रिसेंटली सीन इन न्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थे मतलब होता है परफॉर्मर जो किसी चीज को परफॉर्म कर रहा है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स थेरेमिन विच इज रिस सीन इन द न्यूज इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज कंट्रोल्ड विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट न्यू ह्यूमन ऑर्गेन डेट प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यूज फ्रॉम डैमेज फियर ऑफ द वीनस ये क्या है थेमीन इनमें से क्या चीज है प्लीज रिप्लाई टू मी एवरीबडी जितने लोग लाइव है बेटा प्लीज मुझे कम से कम कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर जरूर पोस्ट करो आप लोग ताकि आप लोग जब देखो जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं है, जा रहे हैं बेटा कंसिस्टेंसी लाओ जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे किसी भी चैनल पे आपका नॉलेज अपग्रेड नहीं हो सकता है तो प्लीज कंसिस्टेंसी लाइए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से आपको ध्यान रखना है जो थेरेमिन है ये एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के ये ध्यान रखना है आपको आई बात समझ में और ये इस इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया गया था 1920 में और ये इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर लियोन लियोन इसको के नाम पे रखा गया है जिसने इस डिवाइस को पेटेंट कराया था 1928 में ठीक है ना और ये आप याद रखना ये परफॉर्मर के हैंड जेस्टर्स के अकॉर्डिंग क्या करती है परफॉर्म करती है आई बात समझ में इसमें कुछ एंटीनाज लगाए हैं सेंसर्स लगे हुए हैं और उन एंटीना और सेंसर्स की मदद से ठीक है ना ये बेसिकली काम करती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ आप एससीओ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं शेंपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके वर्चुअल सम्मिट को इंडिया ने होस्ट किया था अब इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है एस सीओ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन के बारे में पहला स्टेटमेंट यह है कि इट इज डेवलप्ड एंड क्यूरेटेड बाय नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इन एक्टिव कोलैबोरेशन विद द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज ये पहला स्टेटमेंट है दूसरा कहता है द एग्जीबिशन डिप्लॉयज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज लाइक थ्री डी स्कैनिंग वेब जीएल प्लेटफॉर्म वर्चुअल स्पेस यूटिलाइजेशन इनोवेटिव क्यूरेशन एंड नरेशन मेथोडोलॉजी अब आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू द एस सीओ ऑ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन जिसको इंडिया में कंडक्ट किया गया है ए इज टेलिंग वन ओनली स्टेलिंग टू ऑनली सीरिंग बोथ आर करेक्ट एंड डी स्टेलिंग नाइदर वन नॉट टू क्या होना चाहिए आंसर प्लीज बताओ आप लोग कंसिडर्ड दिथ रेफरेंस टू द एस लाइन इंटरनेशनल एग्जिबिशन आप ध्यान रखना एससी जो है इसमें इंडिया भी मेंबर है पाकिस्तान भी में टोटल एट कंट्री जिसके मेंबर है ठीक है ना इसको ध्यान रखिएगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अगला सवाल यह है जायरो वैली बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओफेन मैं न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉर स्टेट ये जो जायरो वैली है ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में है किस चीज के लिए यहां पे इंडिया की पहली आप कह सकते हो ऑर्गेनिक कीवी वैरायटी को क्या किया गया है पाया गया है और इंडिया में एकमात्र जायरो वैली वो प्लेस है जहां पे ऑर्गेनिक कीवी जो है वो मिलती है ठीक है ना अब आपसे क्वेश्चन ये पीछे पूछा गया है कि ये जो जायरो वैली है ये कहां पे लोकेटेड है ए सिक्किम बी अरुणाचल सी हिमाचल एंड डी इज जम्मू एंड कश्मीर और ध्यान रखिएगा ये फेमस है किस चीज के लिए अ वेरी यूनिक ऑर्गेनिक वेराइटी ऑफ कीवी के इसको बोलते हैं वाइल्ड कीवी एग्जैक्टली वाइल्ड कीवीज के लिए बहुत फेमस है जायरो वैली और ये पूछा गया है कि ये जायरो वैली जो कि वाइल्ड कीवीज के लिए फेमस है जो कि एक ऑर्गेनिक वेराइटी है कीवी की ये कौन से स्टेट में है दिस इज द क्वेश्चन फटाफट बताइए देखो बेटा मैं एक ही चीज को दस बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि यही याद हो जाए आप यहीं से लर्न करके जाओ चीजों को मैं आपको यहां याद करवा रहा हूं चीजों को तो आप क्या बताओगे इट्स द अरुणाचल प्रदेश बी इज द करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा और आपको बता दू मैं अरुणाचल इज फर्स्ट इन द कंट्री टू ऑबटेन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर कीवी अंडर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉलोइंग स्टेटमेंट विधरेन्स टू दर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ओ आई सी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखो आप लोग इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन यूएन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विथ अ मेंबरशिप ऑफ 57 सेवन स्टेट रशिया थाईलैंड एंड अ कपल ऑफ अदर स्मॉल कंट्रीज हैव बीन गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस टू इट ठीक है ना रशिया थाईलैंड के अलावा कुछ और देश हैं मुल्क हैं जिनको कि ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इज वन ओनली बी इज टू ओनली सी इज बोथ आर करेक्ट एंड डी इज नाइदर वन नॉट टू प्लीज गो फॉर इट नहीं नहीं अभी मॉक टेस्ट नहीं अभी हम लोग CPF की वो चला रहे हैं मैराथन चला रहे हैं कल तीन बजे से इकोनॉमिक्स की मैराथन है जो मैं लूंगा तो जितने बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो कल तीन बजे से मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के मैराथन के लिए ये ध्यान रखना और इसको आप आगे भी कन्वे कर सकते हो ध्यान रखना अगर हम बात करते हैं ओवासी के बारे में तो ओवाईसी से रिलेटेड दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है यूएन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आप कह सकते हो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है बेटा चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जेब्राफिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन कथनों को ध्यान से सुनिए जो कि जेब्राफिस के बारे में कहा गया इट इज अ टाइनी फ्रेश वॉटर फिश विच इज टू टू थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैन एफिशियंटली रीजेनरेट इज डैमेज हार्ट विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब ये एक बहुत छोटी आप कह सकते हो मीठे जल में पाए जाने वाली मछली की एक प्रजाति है जो दो से तीन सेंटीमीटर लंबी है और इसके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अपने डैमेज हार्ट को बहुत शॉर्ट पीरियड में क्या कर सकती है रीजनरेट कर सकती है जैसे हम ह्यूम लीवर को रीजनरेट कर सकते हैं ये अपने हार्ट को रीजनरेट कर सकती है और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जेब्राफिस इज फाउंड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन और ये जो जेब्राफिस है ये केवल क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती यानि कि जीरो से के 23 23 अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है आंसर फटाफट बचाओ आप लोग बताओ आप लोग गो इन द कमेंट सेक्शन एंड रिप्लाई टू मी सब लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के फटाफट मुझे रिप्लाई कीजिए कमॉन बच्चों रिप्लाई करो आप लोग आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ये जो कहा रहा है कि जेब्राफिस केवल ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है ये गलत है ट्रॉपिकल रीजन के अलावा ये सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पाया जाएगा उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र में भी पाया जाएगा और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो जेब्राफिस है ये सबसे अधिक पाया जाती है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ठीक है ना इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में तो आपको ध्यान रखना है इसमें ए इज द करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसको ध्यान रखना है आपको आपको ध्यान रखना है कि जो पुणे बेस्ड अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन्होंने इन्होंने जेब्रा फिश को रिसर्च में यूज किया और आइडेंटिफाई किया है कि इनके पास ऐसे जीन्स हैं जो अपने डैमेज हर्ट के रीजनरेशन को प्रमोट कर सकते हैं और ये टू टू थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग स्पीसीज है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन से पाए जाते हैं और सबसे अधिक साउथ एशिया के इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में और खासकर ये पाए जाते हैं पैडी फील्ड्स में जहां पे धान की खेती होती है और खास -खास उन जगहों पे जहां पे स्टेगनेंट वाटर या स्ट्रीम्स हैं यानी कि जो पॉन्ड होती है तालाब या आप कह सकते हो बहुत सारे लोग इन फिश को एक्वेरियम में भी रखते हैं और इसको हम लोग मार्केट में खरीदते हैं किस नाम से डैनियो के नाम से इट इज अ पॉपुलर एक्वेरियम फिश विच इज सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम क्या डेनियो तो आपको ध्यान रखना है जेवरा फिश का दूसरा इंपॉर्टेंट नेम क्या है तो आप बताओगे डेनियो और इस फिश को हम लोग कहां पे यूज करते हैं अपने सबसे छोटे इकोसिस्टम में जिसका नाम क्या है अक्वेरियम क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड एड्स डे इज बींग ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है डिसंबर फर्स्ट डिसंबर टेन डिसंबर फिफ्टीन डिसंबर ट्वेंटी हम बिल्कुल हेमंत सिंह जैसे हमारा लीवर जी रीजनरेट कर सकता है खुद ब खुद डैमेज होने के बाद भी उसी प्रकार से जो हार्ट है उसको रीजनरेट करने की क्षमता किसके पास है जेब्रा के पास जिसको हम लोग डैनियो के नाम से भी जानते हैं जो साउथ एशिया में सबसे अधिक पाई जाती है स्पेशली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में साथ ही साथ पैडीफिल्स में स्टेगनेंट वाटर में इन सब जगहों पर चलिए वर्ल्ड एड्स डे के बारे में बताओ आप मुझे ये कौन से दिन को ऑब्जर्व किया था डिसम्बर वन डिसम्बर टेन December 15 या 21 आपको बता दू मैं वर्ल्ड एड्स डे है जो है वो फर्स्ट दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है कब से नाइनटीन एटी एट ऑनवर्ड्स ठीक है यह क्या है एस टी डी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ध्यान रखना एड्स एसटीडी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ये एचआईवी थ्री वायरस से होती है और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ये कहा गया है ठीक है ना कि अभी भी 38 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड में वो एचआईवी इन्फेक्शन के साथ जी रहे हैं और इंडिया में एड्स कंट्रोल के लिए हम लोगों ने नाइको को लाया था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और ये कब से चलाया जा रहा है 1992 से ठीक है ना और इंडिया जैसे कंट्री में या जो आ, कंट्री हैं या अवेयरनेस टूवर्ड्स इंटरकोर्स लोगों को सेक्स के बारे में कहीं ना कहीं उतनी अच्छी जानकारी नहीं है कि प्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है ना बिल्कुल का जो वायरस है वो आर होती है पंकज राठौर आर एब्सोल्यूटली करेक्ट चलिए कचल आइलैंड टली इन न्यूज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड बताना है आपको एंडिंग द एच आई वी एड्स एपिडेमिक री साइलेंस एंड इम्पैक्ट ये इसका थीम है बिल्कुल सही कहा आपने कचल आइलैंड विच इज रिस इन न्यूज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड केप होप आइलैंड निकोबार आइलैंड इज इट द मियाको आइलैंड और द मार्सल आइलैंड प्लीज गो फॉर द आंसर से आपको बताना है कि जो कचल आइलैंड है ये किस आइलैंड का पार्ट है प्लीज गो फॉर द रिप्लाई थीम इज एंडिंग द एच आई वी एड्स एपिडेमिक री साइलेंस एंड इंपैक्ट एंडिंग द एच आई वी एड्स एपिडेमिक री साइलेंस एंड इंपैक्ट आपको बताना है कचल आइलैंड के बारे में कि ये आइलैंड है कहां पे? तो आप बताओगे ये किसका हिस्सा है नो निकोबार आइलैंड्स का भूलना नहीं है आपको ठीक है ना निकोबार का और ये जो यहां पे अभी कुछ ऑयल ऑयलज होती थी द इंडियन कोस्ट गार्ड टोड अ फ्यूल टैंकर बैक टू सेफ वाटर्स एक फ्यूल टैंक को लेकर के ये काफी न्यूज में था और ये जो कचल आइलैंड है निकोबार में इसको हम लोग पहले तिहानियो आइलैंड्स के नाम से जानते थे और यहां पे निकोबारी ट्राइब्स बहुत मिलेंगे आपको और साथ ही साथ श्रीलंका से जो रबर प्लांटर्स से माइग्रेटेड तमिलियंस हैं उनका भी ये बड़ा घर है बड़ा सेल्टर है ये इसको ध्यान रखना है आपको साइक्लोन साइक्लोनि आपको पता होगा साइक्लोन रिसेंटली इन न्यूज इज लाइकली टू हिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाई मिड वीक ठीक है ना साइक्लोन रिवर इनमें से किस कोस्ट को हिट करने वाला है ए महाराष्ट्र बी केरला सी वेस्ट बंगाल और डी तमिलनाडु हालांकि हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि साइक्लोन रिवर ने किस स्टेट के कोस्ट को बैडली हिट किया है इज इट ए महाराष्ट्र इज बी केरला इज इट सी वेस्ट बंगाल और इज इट डी तमिलनाडु और जो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है उसको हम क्या बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट जो कोस्ट ऑफ केरला है उसको हम क्या बोलते हैं मालावार कोस्ट जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का कोस्ट है उसको हम नदन सरकार कहते हैं और जो महाराष्ट्र है ये हमारा किस पे है तो आप बताओगे वेस्टर्न कोस्ट पे ठीक है बच्चों बताओ आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा इट्स द डी ऑप्शन दैट इज तमिलनाडु

अब इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट विल बिकम द फर्स्ट प्रोब टू अटेम्प्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स ऑफ लूनर रॉक फ्रॉम अ प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड पोर्शन ऑफ द मून एंड इट इज द चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लूनर सैंपल रिटर्न मिशन इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिलेटेड टू द दाइव लूनर मिशन ए इज टेलिंग इट्स वन ओनली बी इज टेलिंग सेकेंड ओनली सी इज टेलिंग

इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा बी ऑप्शन सेकेंड ऑनली बी इज द करेक्ट आंसर अब आपको बता दू मैं कि नवंबर 24 को चाइना के चांगे फाइव रिजर मिशन को लॉन्च किया गया जो कि फर्स्ट है ओवर टू अटेम्प्ट टू ब्रिंग सैंपल्स ऑफ रिनर रॉक फ्रॉम अ प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड पोर्शन ऑफ द मून द स्पेस क्राफ्ट इज सेट टू रिटर्न टू द अर्थ अराउंड डिसम्बर फोर्टीन ठीक है ना तो पहला स्टेटमेंट जो है यह क्या रखा गया है कि इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है बिल्कुल कोशिश जारी है दीपिका गोयल जी की हम लोग पहुंच सके उस गोल तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टू द नेगेटिव बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसको ध्यान से सुनो आप लोग नेगेटिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेगेटिव बॉन्ड्स के बारे में इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनिए आप लोग दे आर द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर अ मेच्योरिटी अमाउंट हाइयर देन द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन्वेस्टर को मैच्योरिटी अमाउंट से सॉरी जो इन्वेस्टर को परचेज प्राइस से ज्यादा अमाउंट देगा मैच्योरिटी के बाद एंड दीज आर जनरली इश्यूड बाई देंट्रल बैंक पे द इंटरेस्ट टू देयर मनी विदेम इसके बारे में सुना होगा आपने अब क्वेश्चन यह है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू द नेगेटिव बॉन्ड्स कि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑफर करता है इन्वेस्टर को मैच्योरिटी अमाउंट हायर देन द दर्चेस अमाउंट या फिर यह इश्यू किया जाता है सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट्स या इन्वेस्टर्स के और इसको इसमें इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स पे करते हैं किसको को को ताकि उनका जो मनी है वो सेफ रहे तो कौन सा स्टेटमेंट लगता है आपको सही है रिलेटेड टू द निगेटिव इल्ट बॉन्ड्स प्लीज गो फॉर द आंसर एक चीज ध्यान रखो बच्चों ये जो निगेटिव इल्ड बॉन्ड्स है ये बेसिकली ये बेसिकली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो अपने मनी को सेफ गार्ड करने के लिए मार्केट में बेचते हैं और इसके बदले ये इश्यू कराते हैं बैंक के थ्रू लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो इन्वेस्टर पे करता है तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है और आपको ध्यान रखना है हमेशा इस बॉन्ड के मेच्यूरिटी के बाद जो इन्वेस्टर है वो कम पैसा मिलेगा ना कि हाइयर पैसा मिलेगा ठीक है ना तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा सीमा कान जी ये ये क्वेश्चन जो है न्यूज में था कोविड के अंदर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनका कैपिटल रिस्क पे है तो वो अभी कहीं इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो वो केवल ये चाहते हैं वो केवल ये चाहते हैं कि ये उनका जो पैसा है वो सेफ रहे लोगों के हाथ में और उसको सेफ रखने के लिए उन्होंने डेट इन्होंने नेगेटिव इल बॉन्ड्स को इशू कर रखा है जिसमें जो भी बोरवर होगा उस बोरवर को इन्वेस्टर इंटरेस्ट पे करेगा ना कि बैंक पे करेगी तो आपको ध्यान रखना है तो इसके हिसाब से केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है और पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा गलत हो जाएगा चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कथनों को ध्यान से देखो आप लोग बच्चों अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है सेशन तो प्लीज आप लोग लाइक्स करते रहिए लाइक पे बटन पे प्रेस करते रहिए मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 लाइक तो हो ही जाएं अभी केवल 65 हुए हैं तो आप लोग प्लीज लाइक बटन को प्रेस करो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ही हैड फाइव टर्म्स एज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड ही अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये सारे स्टेटमेंट किस इंडिविजुअल के बारे में कहे जा रहे हैं किसके बारे में कहा गया हितेश्वर साइकिया प्रफुल कुमार महंता भूमिधार बर्मन या तरुण गोगोई ये स्टेटमेंट किसके बारे में है कार्तिक अरविंद जो नेक्स्ट सीएपीएफ uh, का मैराथन है वो कल होगा तीन बजे से और वो है आपका इकोनॉमिक्स पे इसका आंसर क्या होगा बच्चों तरुण गोगोई ये ध्यान रखना है डी इज द करेक्ट आंसर इट्स द तरुण गोगोई नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल इन स्टेटमेंट को ध्यान से देखो विच इज रिलेटेड टू द नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है विज्ञान परासर which is an autonomous agency under the department of science and technology. government of india has been organizing this festival. next important thing is that the festival offers a unique platform to showcase the science films made by professionals, amateur and student filmmakers under various themes. abhishek a concise statement correct, related to the national science film festival. he said, एक ऑटोनोमस एजेंसी विज्ञान परासर के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और यह एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे साइंस फिल्म्स जो कि बनाए गए हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा स्टूडेंट्स फिल्म मेकर्स के द्वारा वेरियस थीम्स पे उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू द नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल प्लीज गो फॉर इट सीमाकांत दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इट्स द सी ऑप्शन बोथ वन एंड टू सॉरी गाइस तो जितने नए लोग जुड़ रहे हैं सेशन के साथ प्लीज आप लोग लाइक बटन को प्रेस करते चलो अगला सवाल यह है प्रज्ञा सहकर प्रज्ञा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ये जो शहकर प्रज्ञा है ये किससे संबंधित है इंपॉर्टिंग ट्रेनिंग टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूल सहकारिता सोसाइटी है उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक अभियान है एनश्योर सेफ्टी इन मेट्रोपोलिटन सिटीज महानगरों में महिला सुरक्षा का एक अभियान है साइंटिफिक एजुकेशन इन हायर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रेन या फिर साइंटिफिक एजुकेशन को हायर स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड करने का एक मुहिम है या उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द प्लीज गो फॉर द आंसर वॉट डू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर शहकर प्रज्ञा देखो सहकारिता से बना है सहकर से बना है सहकारिता तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा इंपॉर्टिंग ट्रेनिंग टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द रूरल एरियाज सो 27 का आंसर क्या होगा ए ऑप्शन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द वॉज अ को फाउंडर ऑफ द नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी विच रूल द यूनाइटेड पंजाब प्रोविंस इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एंड केप्ट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एट द वे इनमें से कौन को फाउंडर थे नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के जिन्होंने यूनाइटेड पंजाब प्रोविंस में आजादी से पहले शासन किया और कांग्रेस और मुस्लिम लोग दोनों को मुस्लिम लीग दोनों को इस क्षेत्र के शासन से दूर रखा इज इट ए सी राजा गोपालाचारी? इज इट बी सर छोटू राम इज इट सी जगजीवन राम या फिर डी सैयद अली जहीर? इसमें से क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का हु अमोंग द फॉलोइंगज अ को फाउंडर ऑफ द नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी जो कि जिन्होंने रूल किया था पंजाब प्रोविंस को आजादी से पहले बिल्कुल सही आप में से बहुत सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं इसमें आप लोग फटाफट आंसर करो कमेंट सेक्शन में जाकर कम ऑन बॉयज गो फॉर इट कम आंसर क्या होगा बच्चों सर छोटू राम बी इज द करेक्ट आंसर इसको ध्यान रखना है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ठीक है ना और ये जाट कॉम्युनिटी से बिलोंग करते थे छोटू राम जी ठीक है ना और इन्होंने ऑपरेस्ट कॉम्युनिटी के लिए हमेशा काम किया और ये पॉलिटिकल फ्रंट पे इन्होंने नैशनलि, पार्टी को भी क्या किया था फॉर्म किया था छोटी राम जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड

जिसमें यह कहा गया है कि वेमेन्स को सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन में प्रमोट किया जाएगा और एक तरह से एक मैंडेटरी कोटा इश्यू की जाएगी कि जितने भी लिस्टेड फर्म है उस कंट्री में उसके टॉप मैनेजमेंट में वेमेन वर्कर्स को क्या किया जाए पोजीशन दी जाए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पूरे वर्क को कंट्रोल करने के लिए आप क्या बताओगे ये अनाउंसमेंट किया गया है जर्मन चांसलर एंजेला मैर्कल के द्वारा सो डी विल बी द करेक्ट आंसर इज दिस क्लियर टू एवरीबडी प्लीज रिमेंबर डेट अब एक स्टेटमेंट आपको ध्यान से सुनना है डी प्लांट्स के बारे में ये काफी न्यूज में है और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा ये चर्चाओं में है कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डी प्लांट्स प्लांट डी प्लांट्स का मतलब ये है कि एक ऐसे स्पेसीज है प्लांट के जिसको यूज करके हम सेलाइन वाटर को यानी कि खारे पानी को कही न कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग वाटर में यानी कि पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं पहला क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट कह रहा है maharashtra has announced the setting up of a desalination plant in mumbai becoming the fourth state in the country to experiment with the idea and desalination is an expensive way of generating drinking water as it requires a high amount of energy it may say constant statement correct hai related to the desalination plants a is telling one only b is telling both are sorry second only c is telling both are correct एंड डी स्टेरिंग नाइदर वन नॉट टू तो डी सेलिनेशन प्लांट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है मुझे महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि वो डी सेलिनेशन प्लांट लगाएगी मुंबई में और ये फोर्थ स्टेट होगा कंट्री में जो इस आइडिया को अपने स्टेट में एक्सपेरिमेंट करेगी और ये एक एक्सपेंसिव वे है जेनरेटिंग ड्रिंकिंग वाटर क्योंकि इसे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आप क्या बताओगे कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर इसको आपको ध्यान रखना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टेलीकॉम सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड इन स्टेटमेंट को ध्यान से देखो आप लोग ऑल टू मोबाइल कॉल्स विल बी विद द फ्रॉम पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस से जब आप फिक्स लाइन से मोबाइल पे कॉल करोगे तो आपको मोबाइल नंबर के पीछे जीरो लगाना पड़ेगा एंड देयर विल बी नो चेंज इन डायलिंग प्लान फ्रॉम फिक्स टू फिक्स लाइन मोबाइल टू फिक्स लाइन एंड मोबाइल टू मोबाइल कॉल्स ये केवल फिक्स टू मोबाइल कॉल्स के लिए की गई है पहला ऑप्शन यह कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि देर विल बी नो चेंज इंग डायलिंग प्लान फ्रॉम फिक्स टू फिक्स मोबाइल टू फिक्स एंड मोबाइल टू मोबाइल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है प्लीज गो फॉर द आंसर ओनली वन इज करेक्ट ओनली टू इज करेक्ट बोथ आर करेक्ट या नाइदर वन नाइट नॉट टू क्या होना चाहिए आंसर प्लीज बताओ आप लोग तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं ठीक है ना दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि अगर आपको लैंडलाइन से किसी को मोबाइल पे कॉल करना है तो मोबाइल नंबर के पीछे जीरो प्रफिक्स करना होगा फ्रॉम फिफ्टीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑनवर्ड्स लेकिन अगर आप वही कॉल फिक्स टू फिक्स लाइन कर रहे हो बेस फोन टू बेस फोन कर रहे हो मोबाइल से फिक्स लाइन पे कर रहे हो या मोबाइल से मोबाइल पे करो तब ये करने की जरूरत नहीं है द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है 25 नवंबर 26 नवंबर ट्वेंटी नवंबर या ट्वेंटी सेकेंड नवंबर प्लीज गो फॉर द आंसर भाई बच्चे लोग जा रहे हैं मजा नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को बहुत तेजी से जनसंख्या घट रही है बच्चों की 51 से 39 पे लोग आ गए हैं लग रहा है सब बोर हो रहे हो आप लोग ऐसा है क्या सेशन थोड़ा लंबा हो गया थर्टी फाइव क्वेश्चन से तो टाइम तो लगेगा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया था? तब क्या से ट्वेंटी को छब्बीस नवंबर को ये ध्यान रखना है अब आप लोग एक स्टेटमेंट और पढ़ो विच इज रिलेटेड द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में इट वुड हेल्प अ ट्रांसजेंडर पर्सन इन अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी दिस पोर्टल ट्रांसजेंडर पर्सन इन अप्लाइंग फॉर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड डिजिटली फ्रॉम एनी वेयर इन कंट्री। डिजिटली फ्रॉम एनी वेयर इन द कंट्री क्या कह रहा है कि जो नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन लाया गया है इट वुड हेल्प अ ट्रांसजेंडर पर्सन इन अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड डिजिटली फ्रॉम एनी वेयर इन द कंट्री

तो so, आप क्या बताओगे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है अगला सवाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है ना भाई 74 लाइक्स हो गए हैं बच्चों कम से कम 100 लाइक तो पहुंचा दो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करो और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस पर्सनैलिटी के बारे में सुनो आप ही वॉज वन ऑफ द टू ज्वाइंट विनर्स ऑफ द फीफा प्लेयर ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी अवार्ड

पीएम मोदी ने कहा है इसके बारे में न्यूज में सुना होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कहा गया है कि इट इज एन इंडिजिन डेवलप टेक्नोलॉजी डे डिजिटाइजेस वैक्सीन स्टॉक्स एंड मॉनिटर्स द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड चेन थ्रू अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन एंड इविन सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन स्टॉक्स

टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड चेंज जिसके किसके थ्रू स्मार्टफोन एप्लीकेशन के थ्रू और साथ ही साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेगी बाई प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो ऐप के थ्रू कि कितने वैक्सीन आपके एरिया में उपलब्ध है कितने वैक्सीन की डोज अवेलेबल है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप बताओगे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क क्लियर है बच्चों तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन बेंचर्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज उसको डाउनलोड कीजिए साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अभी सारे क्वेश्चंस उस पे मैं अपलोड करूंगा और साथ ही साथ हमारे सी और ओटीए के जो कोर्सेज हैं उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ठीक है ना तो ये था बच्चों आज का सेशन तो मुझे पूरी आशा है कि आपको आज के सेशन में मजा आया होगा एक बार आप लोग कमेंट सेशन में जाके मुझे बताओ कि आज का सेशन कैसा था नहीं एसएससी का पेड बैच कल नहीं आएगा बच्चों लेकिन हम लोग जल्द ही उसको लेकर के आएंगे बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना है हम लोग जो पेड बैच ला रहे हैं वो बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं ठीक है इसको ध्यान रखना है आप लोगों को तो कितने आंसर्स आए आप लोगों को प्लीज मुझे बताइए आप लोग कितने आंसर सही थे आप लोगों के ये बताओ आप लोग कितने आंसर सही थे अभी टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा बिल्कुल करूंगा आप टेंशन मत लो उसको लेकर के चलो और आज के सेशन को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है वो प्लीज आप लोग देख लीजिए ये हमारी ऑनलाइन बेंचर्स की टीम है जो आप लोगों को पूरा गाइड करेगी पूरे डिफेंस एग्जाम्स में एस रेलवे सबके एग्जाम्स में ये पूरी टीम से आप ऑलरेडी परिचित हो अभी हमारा एक बैच है एस्पायर सी डी एस वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये एक फिफ्टी डे का क्रैश कोर्स है जो कि फिफ्टीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी से स्टार्ट हो रही है इसकी वैलिडिटी वन ईयर है और इसका जो ऑफर प्राइस चल रहा है वो नाइनटीन नाइनटी नाइन है कितना है नाइनटीन नाइनटी नाइन और ये हमारी पूरी टीम है सी डी एस वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए साथ ही साथ हमारा एक और बैच स्टार्ट हो रहा है एक्सपायर ओटीए टू थाउजेंड ट्वेंटी फिफ्टी डे का क्रैश कोर्स है और ये भी फिफ्टीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी से स्टार्ट होगी इसकी भी कोर्स वैलिडिटी वन ईयर है और इसकी का ऑफर प्राइस है फोर्टीन नाइनटी नाइन तो आप लोग प्लीज इन बैचेस को भी ज्वाइन करो ठीक है ना और साथ ही साथ ऑनलाइन बेंचेस के सभी यूट्यूब सेशंस को आप लोग सपोर्ट करते चलिए और थोड़ा अपने सभी सेशंस को बच्चों तक शेयर कीजिए और प्लीज ऑनलाइन बेंचर्स के मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द टूडेज क्लास अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ सी यू एट टूमोर फॉर द इंडियन इकोनॉमी मैराथन क्लास टुमारो और साथ ही साथ मॉर्निंग सेवन थर्टी में हम लोग कल एस एस सी चैनल पे जो हमारा नया चैनल है उस पर हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे सुबह साढ़े सात बजे ठीक है बच्चों तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का थैंक यू सो मच गुड नाइट शब्बा कैर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और आसपास साफ सफाई बनाए रखिये थैंक यू सो मच एन टेक केयर लव यू ऑल थैंक्स थैंक्स अ